गाजियाबाद के शाहबाद इलाके में एक विवाहिता ससुराल के बाहर टेंट लगा करके धरने पर बैठ गई। उसे ससुराल वाले घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। पीड़ित विवाहिता का नाम खुशबू धामा है। विवाहिता के मुताबिक उसकी शादी न्यू करहेड़ा के रहने वाले दीपक चंदेला से 4 फरवरी 2010 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति सास और नना दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिन बाद एक बेटी का जन्म हुआ तो ससुराल वालों ने और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि हमें लड़का चाहिए। वहीं जब दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को लिखित में दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब विवाहिता पिछले 10 दिन से ठंड में टेंट लगाकर न्याय के इंतजार में बैठी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी दीपक चंदेला के साथ की थी, जो कि करहेड़ा कॉलोनी में मेरा घर है, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर 10 दिन से कम घर से बाहर हूँ। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे मारपीट करके मेरे घर से निकाल दिया। जला के मारने की कोशिश की गई, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। मेरी शादी 4 फरवरी 2020 में दीपक चंदेला के साथ हुई थी, और जब स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी अच्छे से लोगों ने रखा, क्योंकि मेरे फादर इनकी हर एक डिमांड को पूरा कर रहे थे, हमेशा ही दहेज मांगा करते थे। मुझे एक प्रेगनेंसी कंसीव हुई, इनको चाहती एक बेटा हो जाए। उस समय मुझे एक बेटी हुई 9 नवंबर को, जिसका नाम हमने नवी रखा। नवी की डेथ वो 4 महीने बाद हो गई, जिसमें कि मुझे बाद में पता चला उसकी डेथ भी एक प्री प्लानिंग के